Hello and welcome back everyone to chemistry classes. So continuing with microwave spectroscopy, today in this video I will be discussing about the intensity of the spectral lines. हमें microwave spectroscopy में जो spectra obtain हुआ है उसमें हमें जो lines मिली हैं वो है हमारी spectral lines. तो intensity of spectral lines. जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो इंटेंसिटी पे रहेगा कि स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी. तो अगर हम आगे बढ़े तो इंटेंसिटी का जो सबसे मेन फैक्टर है जो हमारा डिपेंड करेगा कि हमारी लाइन की इंटेंसिटी क्या है वो है हमारा पॉपुलेशन. याद कीजिए हमने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी वो हमने ये की थी, सपोज हमारे रोटेशनल लेवल्स हैं ये 0, 1, 2, 3, ये हमारा क्या है, ये हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर. तो हमने ये बात की थी कि हमारे पास सिलेक्शन रूल है और सिलेक्शन रूल हमें क्या बोलता है कि चेंज इन दिस जे व्हाइल ट्रांजिशन शुड बी ओनली प्लस माइनस वन. तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो 0 से 1 तो जा सकता है बट वो 0 से 2 नहीं जा सकता. लेकिन ये रूल हमें ये नहीं बताता कि कौन सी ट्रांजिशन सबसे ज्यादा होगी, वो हमें ये सिर्फ बता रहा है कि ये वाली ट्रांजिशन होगी जिसमें भी हमारा डेल्टा जे प्लस माइनस वन है. तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि 0 से 1 जाने की और 1 से 2 जाने की, 2 से 3 जाने की और 3 से 2 में वापस आ जाने की, देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी. तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी इंटेंसिटी कैसे आएगी, क्योंकि ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी तो इक्वल है. बट अब आप ये बात देखिए, जब हमने इनिशियली ट्रांजिशन करनी शुरू की उस समय हर लेवल की एक पॉपुलेशन होगी ना. अभी तक हमने इस चीज की बात नहीं की थी, हम ये तो बात कर रहे हैं कि हमारा मॉलिक्यूल ट्रांजिशन करेगा बट कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं ये भी तो हमें बात करनी होगी ना. हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच लेवल. अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी तो इक्वल है ट्रांजिशन होने की, बट इनिशियली जब ट्रांजिशन होना शुरू हुआ, सपोज इसमें तो आपके थे 100 मॉलिक्यूल्स, इसमें आपके थे 98 मॉलिक्यूल्स. तो अब आप देखिए इसमें 100 है, इसमें 98 है, तो ये 100 एक साथ ट्रांजिशन कर सकते हैं और ये 98 एक साथ ट्रांजिशन कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही इनिशियली हमारे कम ज्यादा है डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल्स के बीच में. तो एक तो हमारा ये फैक्टर होगा जो हमारी इंटेंसिटी को डिसाइड करेगा, क्योंकि अगर आपके मॉलिक्यूल्स 198 सपोज यहाँ पे 80 है तो ये 80 मॉलिक्यूल्स के करेस्पॉन्डिंग आपको एक ट्रांजिशन लाइन मिलेगी, यहाँ पे 98 मॉलिक्यूल्स के करेस्पॉन्डिंग एक ट्रांजिशन लाइन मिलेगी और यहाँ पे आपको 100 मॉलिक्यूल्स के करेस्पॉन्डिंग एक ट्रांजिशन लाइन मिलेगी विच इज एक्चुअली स्पेक्ट्रल लाइन. तो इसीलिए मॉलिक्यूल्स आपके किस लेवल में कितने प्रेजेंट है वो हमें बताएंगे कि हमारी स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी क्या होगी. अब जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर लेवल में पॉपुलेशन की बात करते हैं तो जो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास होता है जो हमें पॉपुलेशन के बारे में बताता है, दैट इज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन. बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताएगा कि किस लेवल में हमारी पॉपुलेशन कैसी होगी. तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग, ये काफी सिंपल है. ये सिर्फ क्या बोलता है कि सपोज किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल में जो हमारी पॉपुलेशन है, लेट इट बी पी जे, पी इज रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन, एंड इन एनी जेथ लेवल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई जे बाई के बी टी. तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ने तो हमें ये बोल दिया कि हमारी जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस ई जे बाई के बी टी, वेयर ई जे इज द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर रोटेशनल लेवल. अब एक बात इसमें हमें यहाँ पे पहले ये देखनी है, इसमें आगे बढ़ने से पहले, वो क्या है, जब भी हम अपने रोटेशनल लेवल्स की बात करते हैं, जो ये है ये हमारे रोटेशनल लेवल्स हैं, तो रोटेशनल लेवल्स में इसमें हमने कॉन्स्टेंट पढ़ा था, दैट वॉज रोटेशनल कॉन्स्टेंट, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो इस रोटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू है दैट जनरली लाइज बिटवीन
1 to 10 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब आप किसी भी मॉलिक्यूल को उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे अच्छा इस मॉलिक्यूल का जो रोटेशनल कांस्टेंट है दैट इज 2, दैट इज 5, 0.2, 0.5 ऐसे, मतलब इस रेंज में आपको मिलेगा, मतलब यू कैन टेक इट फ्रॉम 0.1 टू 10 सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ यू सी विच एनर्जी इज प्रेजेंट एट रूम टेम्परेचर। जैसे हम यहाँ पे एक रूम टेम्परेचर में बैठे हुए हैं तो रूम टेम्परेचर से भी तो एक एनर्जी है, वी आर हैविंग रूम टेम्परेचर ऑफ अराउंड 300 केल्विन। तो जब हमारे आसपास 300 केल्विन का टेम्परेचर है तो हमारे एनवायरनमेंट ने भी तो एक एनर्जी प्रोवाइड की है जो मॉलिक्यूल हमेशा के लिए एक्सपीरियंस ही कर रहा है। तो हमें पहले ये देखना होगा, आप कभी भी कैलकुलेट करके देखिएगा कि रूम टेम्परेचर पे जो हमारी एनर्जी है अगर आप उसे सेंटीमीटर इनवर्स में देखेंगे तो वो किस ऑर्डर में होती है। तो इसमें सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैलकुलेट द एनर्जी। एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी की यूनिट्स होती है केबीटी। जैसे यहाँ पे बोल्ट्ज़मैन में आप देखते हैं एनर्जी को डिवाइड किससे किया गया है, केबीटी से। तो आप कभी केबीटी को सोल्व करके देखिए, तो केबीटी में जो आपका केबी है वो तो आपका कॉन्स्टेंट ही है, आर बाई एन ए, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा एक चीज ये, जैसे मैंने अभी बोला एवोगैड्रोस नंबर, तो क्या ये कहना सही होगा कि एवोगैड्रोस नंबर है? एक्चुअली ये हमें एवोगैड्रोस नंबर नहीं बोलना चाहिए, क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की यूनिट नहीं होती है। अगर आप Na देखेंगे तो Na एक यूनिट पोसेस करता है, दैट इज मोल इनवर्स। आप बोलेंगे कि एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 6.022 into 10 to the power 23 पर मोल। तो कोई भी जो नंबर होता है, नंबर कभी भी यूनिट पोसेस नहीं करता, तो एक्चुअली में करेक्टली हमें इसे बोलना चाहिए एवोगैड्रोस कांस्टेंट। कांस्टेंट कैन हैव यूनिट बट नंबर डज नॉट हैव यूनिट, तो इसकी यूनिट है, तो करेक्टली हमें इसे एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोलना चाहिए। तो ये हमारा है आर बाई एन ए, और टेम्परेचर हमने बात की रूम टेम्परेचर की, तो आप R की वैल्यू आपको पता है, Na की पता है, मल्टीप्लाइड बाई 300 केल्विन। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन डालेंगे तो आपको जो ये एनर्जी है ये आपको जूल की यूनिट्स में मिलेगी। बट मैंने अभी आपको जो यहाँ पे B की यूनिट्स, रोटेशन कांस्टेंट की यूनिट्स बताई है, वो मैंने आपको बताई है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा, जो आपको एनर्जी जूल में मिली है उसे सिंपली आप H और C इन दोनों से डिवाइड कर देंगे, और C को आपको पुट करना होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो देन यू कैन इजिली कैलकुलेट कि आपकी एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में किस ऑर्डर में होती है रूम टेम्परेचर पे, एंड यू विल फाइंड That it is sufficiently higher than this value. मैं आपको अभी यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड नहीं बताऊंगा, ये आप एक बार खुद कैलकुलेट कीजिए। You will find that it is sufficiently greater than this value. तो जो हमारी रूम टेम्परेचर पे एनर्जी है वो हमारी इस ऑर्डर से काफी ज्यादा है, सो इट इज हाईली रीजनेबल टू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। जनरली हम ये देखते हैं कि हमारी ग्राउंड स्टेट ही ज्यादा पॉपुलेटेड होती है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में बात करेंगे या फिर आप वाइब्रेशनल लेवल्स में बात करेंगे, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो जनरली ग्राउंड स्टेट ही हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड होती है और हम ग्राउंड स्टेट से ही अपना डिस्कशन सीमित रखते हैं। बट व्हेन वी आर डीलिंग विद द रोटेशनल लेवल्स देन यू विल फाइंड दैट higher number rotational levels are also sufficiently populated and we need to talk about them also. तो इसीलिए ये B की value जो इतनी कम है, क्योंकि actually तो जो हमारी rotational level की energy है वो B पे ही depend करती है ना, B J J plus 1. तो इसीलिए ये B की value जो इस order में है, तो room temperature is sufficient to populate the higher levels. तो एक बात हमें ये करनी है, तो अब हम हायर लेवल्स की इसमें बात करेंगे। अभी हमने यहाँ पे देखा कि जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी देख रहे हैं तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। तो पॉपुलेशन हमने देखा कि भाई बोल्ट्ज़मैन डिस्ट्रीब्यूशन ने हमें पॉपुलेशन बताई, तो अभी आप इसमें क्या कीजिए, आप सिंपली एक रेशो निकाल के देखिए। मतलब अगर मुझे ये देखना हो कि मेरा J=1 और J=0 की अगर मैं रेशो निकालूं, ये हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं,
इन द जे इक्वल वन लेवल और ये हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन द जे इक्वल जीरो लेवल। तो अगर मैं इसकी रेशियो निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, मैं डायरेक्ट बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करूंगा। तो इसमें मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, ई टू द पावर माइनस ई वन डिवाइड बाई के बी टी, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा ई टू द पावर माइनस ई जीरो डिवाइड बाई के बी टी। अब हमें पता है कि j इक्वल जीरो लेवल में जो हमारी e जीरो की वैल्यू है दैट इज जीरो फॉर रोटेशनल फॉर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये e टू द पावर जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म तो आपकी बन जाती है वन। और इसे भी आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे। अब अगर आप e वन की आपको वैल्यू चाहिए तो बी जे जे प्लस वन ये आएगा, तो अब आप बोलेंगे कि हमें के बी तो पता है। अब पहली बात तो टेम्परेचर, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर यूज कीजिए, कि हम रूम टेम्परेचर पे हैं तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे J इक्वल वन अपॉन J इक्वल जीरो की जो पॉपुलेशन रेशियो होगी वो किस वैल्यू में आएगी, मतलब उसकी वैल्यू किस तरफ आएगी। तो आप यहाँ पे टेम्परेचर यूज कर लीजिए 300 केल्विन। अब बात आई बी जे जे प्लस वन, तो जे तो हमें क्लियर है कि हमें यहाँ पे वन ही डालना है, आपने जे वन डाल दिया तो ये आपका हो जाएगा टू बी। अब बात ये क्या b की वैल्यू क्या डालेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो b की वैल्यू होती है वो जनरली 0.1 से 10 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में मिल जाती है हमें मॉलिक्यूल्स की। तो हम यहाँ पे b की एक रफ वैल्यू सपोज 2 सेंटीमीटर इनवर्स यूज करेंगे, तो आप यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इनवर्स यूज कीजिए। लेकिन अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपने नीचे के बी टी में आर की वैल्यू यूज करेंगे वो आपकी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होगी, तो इसलिए आप अपने इस ईवन को भी पहले जूल में कन्वर्ट कीजिए, देन यू सॉल्व इट। तो सॉल्व करके नीचे तो आपका डिनोमिनेटर तो वन ही बन गया था, तो जो भी आपका न्यूमिनेटर आएगा वही आपका एक्चुअली में आपको बताएगा कि रेशो क्या है। तो जब आप इसे 300 केल्विन और बी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर इनवर्स लेके सॉल्व करेंगे, देन यू विल फाइंड दैट N1 डिवाइड बाय N0 विल बी इक्वल टू 0.98, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.98। तो देखो इससे ये बात तो आपको समझ आई कि जो J इक्वल 1 वाला लेवल भी है वो भी काफी सफिशियंटली पॉपुलेटेड है। इसका मतलब 0.98 का रेशो का मतलब देखो क्या हुआ कि अगर नीचे वाले लेवल में मतलब फर्स्ट लेवल में 100 थे तो ऊपर वाले में 98 है, मतलब ये आपकी रेशो है, तो इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। J इक्वल 0 में अगर 100 है तो J इक्वल 2 में आपके 98 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ऐसे ही आप 2/0 भी निकाल सकते हैं, 2/1 भी निकाल सकते हैं, 3/0 भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपकी J की वैल्यू चेंज होती जाएगी एंड यू कैन कैलकुलेट द डिफरेंट वैल्यूज। NJ = NJ = something, ऐसे ऐसे आप काफी सारी डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अगर आप ये सभी वैल्यूज निकाल के ग्राफ प्लॉट करें यहां पे, तो आप ले लीजिए J, तो ये आपका 0 से शुरू हुआ 0, 1, 2, 3 ऐसे, और यहां पे आप y एक्सिस पे प्लॉट कीजिए NJ/N0। तो इनिशियली जब आपका J 0 होगा तो N0/N0 तो वो तो आपका 1 ही हो गया। तो सपोज इस ग्राफ पे आपने 1 यहां पे प्लॉट किया, ये आपका 1 है y एक्सिस पे। अभी हमने क्या देखा था कि जब हम टेम्परेचर 300 केल्विन और B 2 सेंटीमीटर इनवर्स पे बात कर रहे थे तो हमारी N1/N0 की वैल्यू जो आई थी दैट वाज 0.98। तो सपोज आपका 0.98 इसमें यहाँ पे, तो ये आपका हो गया 0.98। फिर ऐसे ही आप N2/N0, N3/N0 जैसे जैसे आप सोल्व करते जाएंगे तो यू विल फाइंड कि एक्सपोनेंशियली आपका जो ये रेशियो है NJ/N0 ये आपका घटता जाएगा और आपको कुछ ऐसा एक ग्राफ मिल जाएगा, मतलब आपको एक ऐसा ग्राफ मिलेगा जैसे जैसे आपकी जे की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका यहाँ पे NJ/N0 डिक्रीज होता जा रहा है। इसका नेचर थोड़ा सा देखने में एक्सपोनेंशियल जैसा होगा बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल रेशियो है, तो ऐसा आपको कुछ ग्राफ देखने में मिलेगा। बट अभी हमें यहाँ पे यही चीज ध्यान रखनी है, क्या सिर्फ हमारी पॉपुलेशन क्या वो सिर्फ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पर ही डिपेंड करेगी, aren't we missing something? हम यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं एंड दैट इज डीजेनरेसी।
अब आप देखिए, हमने अपना डिस्कशन कहाँ से शुरू किया था, हमें ये देखना था कि स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी क्या होगी। तो पहले हमने देखा सिलेक्शन रूल, तो सिलेक्शन रूल ने हमें बोला कि भाई सारी ट्रांजिशंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, तो मैं तो नहीं बता सकता। तो हमने देखा कि हम देखेंगे कि भाई डिफरेंट लेवल्स में पॉपुलेशन क्या है। तो हमने देखा कि भाई डिफरेंट लेवल्स की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग है, तो उसी रेशो के बेसिस पे वी विल बी एबल टू टेल, मतलब उसी पॉपुलेशन के बेसिस पे वी विल बी एबल टू टेल कि हमारी इंटेंसिटी किस लाइन की ज्यादा होगी। तो बेसिकली जिस लेवल में हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है उससे ज्यादा मॉलिक्यूल आपकी ट्रांजिशन करेंगे, तो उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ जे के लिए आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो आपको ज्यादा इंटेंस मिलेगी। फिर हमने देखा कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो हमारा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, और उसी के बेसिस पे हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। बट अभी हमने यहाँ पे एक चीज मिस की, वो क्या थी, वो है हमारी डीजेनरेसी। हमने कहीं भी डीजेनरेसी की बात नहीं की। डीजेनरेसी एक्चुअली में होता क्या है, डीजेनरेसी हम तभी बोलते हैं जब हमारे पास कोई एनर्जी लेवल्स है, मतलब सपोज हमारे पास एक ही एनर्जी के बहुत सारे लेवल्स हो, तब हम बोलेंगे कि हमारा जो एक पर्टिकुलर लेवल है वो सपोज 3-fold डीजेनरेट है, 5-fold डीजेनरेट है, 7-fold डीजेनरेट है। क्यों हमने ऐसा बोला, क्योंकि हमने ये पाया कि चार लेवल्स ऐसे थे जिनकी एनर्जी सेम थी, तो इसीलिए वो हमारे हो गए डीजेनरेट लेवल। तो अभी हमने ये तो देख लिया कि हमारे पॉपुलेशन कितनी है, जैसे हमने बोला जे इक्वल 0, जे इक्वल 1, जे इक्वल 2, बट जे इक्वल 1 के करेस्पॉन्डिंग जो उस लेवल की एनर्जी है, क्या पता वो और भी लेवल्स की हो। तो हमने अभी तक डीजेनरेसी की यहाँ पे बात नहीं की थी, जो हम अभी करेंगे। तो डीजेनरेसी, अब बात ये है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक रोटेटिंग मॉलिक्यूल की। तो जब भी हम किसी एक रोटेटिंग या फिर रोटर में हम डीजेनरेसी की बात करते हैं, तो हम उसे किस टर्म में पढ़ेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमें कैसे पता चलेगा, मतलब हम कैसे देखेंगे कि किन लेवल्स की एनर्जी हमारी सेम होगी। तो डीजेनरेसी को रोटर में पढ़ने के लिए हम जिस पैरामीटर का यूज करते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। हम एंगुलर मोमेंटम की मदद लेंगे हमारे रोटेशनल लेवल्स की डीजेनरेसी को स्टडी करने के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम हमारी हेल्प कैसे करेगा, पहले लेक्चर्स में हमने देखा था जब भी हम किसी रोटेटिंग मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसकी क्लासिकल एनर्जी क्या होती है, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम जिसे हम जे से ही रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि हम कंफ्यूज ना हो, जे इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट रोटेशनल क्वांटम नंबर एंड जे इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे मैं एंगुलर मोमेंटम दिखाना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इसे एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ताकि डिफ्रेंसिएशन सही रहे मैं यहाँ पे जे वेक्टर का यूज कर रहा हूँ। और जे वेक्टर को हमने क्या देखा था, दैट इज नथिंग बट आई इंटू, क्लासिकली I into omega। अब अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे then you will get इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे you will get angular momentum is equals to root 2 IE। Now अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करें तो it will become 2 IE। सी, अभी हमने ये क्लासिकली निकाला, लास्ट टाइम जब हमने रोटेशनल लेवल्स की एनर्जी जानने के लिए उसमें क्वांटम मैकेनिकली उसे ट्रीट किया था, तो हमने वही जो हाइड्रोजन एटम के लिए हम एल स्क्वायर ऑपरेटर का यूज करते हैं, वैसे हमने उसकी एनर्जी रिड्यूस की थी। सिमिलरली हम यहाँ पे यही काम करेंगे, ये हमारे पास क्लासिकल एक्सप्रेशन आया। अब जब आप इसे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट देंगे, तो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट देने के बाद ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू जे इंटू जे प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू आई ई, यू विल गेट दिस। अब जो ये यहां पे जे है, दिस इज रोटेशनल क्वांटम नंबर एंड नॉट द एंगुलर मोमेंटम।
अब अगर आप इसमें रूट स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड्स, देन यू विल गेट रूट टू आई ई इज इक्वल्स टू रूट जे इंटू जे प्लस वन और एच क्रॉस। एच क्रॉस क्या होता है? इट इज नथिंग बट एच अपॉन टू पाई। सो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट के बाद यू कैन सी दैट यू कैन एक्सप्रेस द एंगुलर मोमेंटम इन द यूनिट्स ऑफ एच अपॉन टू पाई। एक्चुअली एच अपॉन टू पाई इज बेसिकली यूज टू रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम। तो एच अपॉन टू पाई की यूनिट्स में हम एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम मैकेनिकली। तो हम क्या बोल देते हैं? जे इंटू जे प्लस वन यूनिट्स ऐसे लिख देते हैं। मतलब जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है दैट इज नथिंग बट रूट जे इंटू जे प्लस वन यूनिट्स। ये जे हमारा वही वेरी करेगा, जे इक्वल जीरो वन टू थ्री, क्योंकि ऑब्वियसली हमने एक शॉर्टकट यहाँ पे अप्लाई किया है। तो जब भी हमने स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सोल्व किया होगा तो ये जो हमारी लिमिटेशन है ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन के सॉल्यूशन की वजह से आ रही है कि जो जे की वैल्यू है वो हमारी जीरो वन टू थ्री, मतलब इट विल हैव इंटीग्रल वैल्यूज। सो अभी हमने ये देख लिया कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रूट जे इंटू जे प्लस वन यूनिट्स, और ये बेसिकली हमारा एच क्रॉस था, एच अपॉन टू पाई। तो हम इसकी यूनिट्स में अपने एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्रेस करेंगे। अब जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है एक्चुअली वो है एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हमने देखा कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसका जो डायरेक्शन है दैट इज टेकन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसका डायरेक्शन इज टेकन अलोंग द रेफरेंस एक्सिस, और वो रेफरेंस एक्सिस हमारी क्या है? दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो इसका मैग्नीट्यूड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वेक्टर। बेसिकली मोमेंटम को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे उसकी जो लेंथ है वो बेसिकली हमें उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी। नाउ दिस वेक्टर क्वांटिटी कैन टेक अप एनी डायरेक्शंस, इसकी कितनी भी सारी डायरेक्शंस पॉसिबल हो सकती हैं। तो इसकी डायरेक्शन को लिमिट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी डायरेक्शन को लिमिट करने के लिए वी हैव अ क्वांटम मैकेनिकल लॉ, वी हैव अ क्वांटम मैकेनिकल लॉ, और ये हमें क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जे एंगुलर मोमेंटम कैन टेक अप ओनली दैट डायरेक्शन अलोंग द रेफरेंस एक्सिस दैट इट इज ईदर जीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूनिट्स। एंगुलर मोमेंटम यूनिट अभी हमने क्या निकाला? रूट जे इंटू जे प्लस वन यूनिट। तो मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जे के लिए हमारा एंगुलर मोमेंटम वो ही डायरेक्शन ले पाएगा दैट इट इज ईदर जीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रूट जे इंटू जे प्लस वन यूनिट्स। मतलब जो हमारी रेफरेंस एक्सिस है उस रेफरेंस एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं, पर वही कॉम्पोनेंट हमारा अलाउड है, वही कॉम्पोनेंट हमारा वैलिड है विच इज ईदर जीरो और मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूनिट्स। तो इसीलिए आपने कई बार बुक्स में एक डायग्राम बना हुआ देखा होगा, जब भी ऐसे डिजेनरेसी की बात करते हैं तो आपने एक ऐसा डायग्राम देखा होगा जिसमें आपने यहाँ पे देखी होगी एक रेफरेंस एक्सिस और फिर यहाँ पे उस रेफरेंस एक्सिस के लोग यहाँ पे डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स उस एक्सिस के बनाए रखते हैं। तो जब हम j इक्वल वन के लिए बात करेंगे तो हमने क्या बोला? इट इज ईदर इक्वल टू जीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूनिट्स। तो एंगुलर मोमेंटम यूनिट j इंटू जे प्लस वन, ये हमारा j इक्वल वन के लिए क्या आएगा? दिस विल बी इक्वल टू रूट टू यूनिट्स। तो जब आप j इक्वल वन के लिए इसमें यहाँ पे कॉम्पोनेंट ड्रॉ करेंगे एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर का, तो यू विल फाइंड
that there are only three possibilities. जो हमारा j वेक्टर है दैट इज एक्चुअली रूट टू यूनिट्स. तो j इक्वल वन के लिए सिर्फ तीन ही पॉसिबिलिटी ऐसी आपकी बन पाएंगी, मतलब तीन ही आपकी लेंथ ऐसी बनेंगी जिनका मैग्नीट्यूड इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा. और उसे हम एक्सप्रेस ऐसे करते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा जीरो लिखते हैं, यहाँ पे प्लस वन और यहाँ पे माइनस वन. सिमिलरली जब आप j इक्वल टू के लिए बनाएंगे तो j इक्वल टू के लिए आपके पास बनेंगी ऐसी ऐसी पांच पॉसिबिलिटीज, इधर जीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ j इक्वल टू के लिए इंटीग्रल मल्टीपल किसका होना चाहिए, टू इंटू टू प्लस वन मतलब रूट सिक्स. तो j इक्वल टू के लिए आपके पास ऐसी पांच पॉसिबिलिटीज बनेंगी. तो इसे हम एक्सप्रेस करते हैं जीरो प्लस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू लिख के. ऐसे ही ऐसे जब आप आगे देखेंगे तो j इक्वल थ्री के लिए आपके पास ऐसे इसमें आपकी बनी थ्री पॉसिबिलिटीज, इसमें आपकी बनी फाइव पॉसिबिलिटीज, ऐसे ही j इक्वल थ्री के लिए यू विल हैव सेवन पॉसिबिलिटीज. तो अगर आप इसे जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड दैट एवरी रोटेशनल लेवल इज टू जे प्लस वन फोल्ड डीजेनरेट. क्योंकि आप देखिए जब आपका j की वैल्यू वन थी तो टू इंटू वन प्लस वन थ्री, थ्री फोल्ड डीजेनरेट आपका हुआ. मतलब तीन लेवल्स ऐसे हैं आपके j इक्वल वन के लिए जिनकी एंगुलर मोमेंटम आपकी सेम है. तो इसीलिए एंगुलर मोमेंटम उनका सेम है तो उनका जो एनर्जी होगा वो भी आपका सेम होगा. तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि j इक्वल वन की जो डिजेनरेसी है दैट इज थ्री, इट इज थ्री फोल्ड डिजेनरेट. j इक्वल टू के लिए आपके पांच लेवल्स ऐसे हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम सेम है और इसीलिए उनकी एनर्जी सेम है. तो j इक्वल टू वाला जो आपका लेवल है दैट इज फाइव फोल्ड डिजेनरेट. j इक्वल थ्री वाला जो आपका लेवल है दैट इज सेवन फोल्ड डिजेनरेट. आप इसे पुट करके देख सकते हैं, j की वैल्यू थ्री डालेंगे तो टू इंटू थ्री प्लस वन सेवन आएगा. और j इक्वल जीरो वो आपका सिंगली डिजेनरेट है. तो हमने अभी देखा, अभी हम पूरा डिस्कशन इंटेंसिटी के लिए कर रहे थे तो अभी हमें ये बात अभी क्लियर हो गई कि इंटेंसिटी दो फैक्टर्स के प्रोपोर्शनल होगी. तो पहला फैक्टर तो हमारा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब, और दूसरा ये मैंने यहाँ पे बेसिकली प्रोबेबिलिटी देखा है. किसी भी लेवल में मॉलिक्यूल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू फैक्टर्स. एक हो गया आपका डीजेनरेसी 2j प्लस वन, डीजेनरेसी को हम gj ऐसे लिखते हैं. gj इज यूज टू रिप्रेजेंट डीजेनरेसी विच इज हियर 2j प्लस वन. और एक हमारा हो गया बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमारे पास अभी दो फैक्टर्स हो गए. अभी आप देखिए कि अब यहाँ पे जो ये 2j प्लस वन है एक्चुअली में हमने सिर्फ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से क्या देखा था, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में ये बोल रहा था जैसे जैसे आपकी j की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी j की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जो मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी घटती जाएगी. और यही हमने ग्राफ में भी देखा था, आपका ग्राफ ऐसे नीचे आ गया था. बट अभी यहाँ पे जो ये 2j प्लस 1 वाला फैक्टर है दैट इज मेकिंग द पॉपुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ j. तो इसका मतलब क्या है, जब आप अपना j में बढ़ना शुरू करेंगे तो एक हद तक आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और फिर वो घटेगी. मतलब अभी यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जे तक आपका ये वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा और फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जे के बाद आपका ये वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा. मतलब जब आप इसे ड्रॉ करेंगे, अभी हमने ड्रॉ किया था सिर्फ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे. सिमिलरली अभी हम इसी फैक्टर को भी अगर अकाउंट में ले लें तो देखा जाए, अभी जैसे हमने एन वन अपॉन एन जीरो की वैल्यू निकाली थी तो n1 upon n0 सिर्फ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को अकाउंट में लेके 300 केल्विन और b की वैल्यू 2 सेंटीमीटर इनवर्स के लिए हमारे पास 0.98 आया था. ठीक है, 0.98 आया था. अब आप ये 2j plus 1 लीजिए तो नीचे आपका डिनोमिनेटर में 1 था, अब 2j plus 1 तो ऊपर आपका आ जाएगा 3 और नीचे आपका अभी भी 1 ही रहेगा. तो अब आपका जो 0.98 था वो आपका क्या बन गया, दैट बिकम्स 2.94. तो इसका मतलब जो आपने ये एन जे बाई एन जीरो का ग्राफ जे से बनाया था तो पहले आपने जे इक्वल जीरो के लिए यहाँ पे वन पे बनाया था, बट एक्चुअली में डीजेनरेसी की वजह से अभी जो आपका ये बनेगा दैट विल नॉट बी एट वन, दैट विल बी एट 2.94.
94 और 1 सपोज आपका यहाँ पे है। सिमिलरली जब आप इसे n2 by n0 के लिए बनाएंगे, n3 by n0 के लिए बनाएंगे, n4 by n0 के लिए बनाएंगे, तो यू विल फाइंड दैट अप टू अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ j दिस फैक्टर विल बी डोमिनेटिंग दिस 2j plus 1, सो यू विल सी इंक्रीमेंट और फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ j के बाद मैं यहां पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, फिर वो घटना शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअली देयर विल बी अ मैक्सिमम इन दिस कर्व, पहले तो ये सीधा डिक्रीमेंट से ही शुरू हुआ था बट अभी यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं विच आर अपोजिंग ईच अदर, तो इसीलिए पहले आपका कर्व इंक्रीज होगा फिर उसके बाद वो डिक्रीमेंट शो करेगा, तो इसमें आपको एक मैक्सिमा ऑब्टेन हुआ। तो इस मैक्सिमा को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, इस मैक्सिमा के करेस्पोंडिंग जो आपकी जे की वैल्यू आएगी उसे हम जे मैक्स बोलेंगे। जे मैक्स किस लिए, कि दैट दिस इज द लेवल, दिस इज दैट लेवल विच इज हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन, मतलब ये आपका जे वो है जिसमें आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्रेजेंट है। ठीक है, अभी ये ग्राफ तो हमने समझ लिया, अब बात ये है, एक मैंने पोल में क्वेश्चन पूछा था, पोल में क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो हमारा ग्राउंड रोटेशनल लेवल है इट इज हैविंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका आंसर अभी आप समझ पाएंगे। अभी आप ये देखिए, इसमें एक जो मेन फैक्टर है दैट इज ऑल्सो अ टेम्परेचर, जब मैंने क्वेश्चन ये पूछा है तो उस समय टेम्परेचर का डिस्कशन नहीं किया कि टेम्परेचर क्या है, तो इसीलिए सपोज आपसे कभी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं कि ग्राउंड रोटेशनल लेवल की मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी या नहीं, तो सबसे पहले आपको ये पूछना चाहिए कि सर टेम्परेचर क्या है या मैम टेम्परेचर क्या है, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर भी आपकी पॉपुलेशन डिपेंड करती है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक मेजर फैक्टर है दैट इज केबीटी, और ये केबीटी में यहाँ पे टेम्परेचर का काफी अच्छा खासा रोल है, और अभी हमने देखा भी कि रूम टेम्परेचर पे ही हमारा सफिशियंट पॉपुलेशन हायर लेवल्स को भी पॉपुलेट कर देता है। ऑब्वियसली डिजेनरेसी भी एक फैक्टर है बट टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो पहली बात आपको टेम्परेचर पूछना चाहिए, बट हमने क्वेश्चन में वहां पे टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, तो अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है तो एक्चुअली हमें नॉर्मल टेम्परेचर अपने रूम टेम्परेचर पे बात करनी होगी। तो ये चीज हमने अभी भी देखी कि जब आप रूम टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे बात करेंगे तो 300 केल्विन पे और बी 2 सेंटीमीटर इनवर्स आपने लिया, एक जनरल आपने रफ वैल्यू ले ली बट बी उसी के आसपास रहता है, तो आपने देखा कि एन वन अपॉन एन जीरो की जो वैल्यू थी दैट वॉज 2.94, इसका मतलब जो हमारा ग्राउंड रोटेशनल लेवल है दैट इज नॉट द वन दैट इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, हमारे ऊपर के लेवल्स नॉर्मल टेम्परेचर्स पे रोटेशनल लेवल ज्यादा पॉपुलेटेड रहते हैं, इसीलिए जो वो स्टेटमेंट है जो वो पोल में स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स। लेकिन आपको स्पेसिफिकली अगर कोई ये बोल दे कि ग्राउंड रोटेशनल लेवल की पॉपुलेशन सपोज 1 केल्विन पे क्या होगी, तो उस समय आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, उस समय इट इज पॉसिबल एंड इट विल बी दैट योर ग्राउंड रोटेशनल लेवल इज हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन, बिकॉज अभी आपने उसे टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया, जो आपकी पॉपुलेशन है वो ऑब्वियसली ग्राउंड में ही रहना चाहती है, बट रूम टेम्परेचर ही जब इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा दे रहा था कि हायर पॉपुलेशंस भी पॉपुलेट हो पा रही थी प्लस डीजेनरेसी, क्योंकि देखिए जब डीजेनरेसी आपने अकाउंट में नहीं लिया था तब ये वैल्यू 0.98 थी, उस समय आपकी ग्राउंड लेवल ही सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड थी जो होना भी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल इज द लेवल विद द मिनिमम एनर्जी, तो वहीं पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपकी एग्जिस्ट करना चाहेगी। तो रोटेशन में यहाँ पे आपका डिजेनरेसी भी एक मेन फैक्टर है, ये नहीं कि सिर्फ रूम टेम्परेचर आपने प्रोवाइड कर दिया तो आपकी हायर पॉपुलेशन हायर लेवल्स ज्यादा पॉपुलेट हो जाएंगे, डिजेनरेसी भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जो हमारा हायर लेवल्स को पॉपुलेट कर रहा है, तो इसीलिए जो वो वाला क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली ग्राउंड रोटेशनल लेवल है, तो ग्राउंड रोटेशनल लेवल अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर देखेंगे तो कभी भी मैक्सिमम पॉपुलेशन प्रोसेस नहीं करेगा, हायर लेवल्स ही ज्यादा पॉपुलेटेड होंगे, तो वो स्टेटमेंट तो फॉल्स है, बट इन जनरल अगर आपसे इंटरव्यू में कभी भी लेवल्स की पॉपुलेशन के बारे में डिस्कशन पूछा जाता है तो वहां पे आपको ये दो चीजें मेनली ध्यान में रखनी ही है,
दे आर टेम्परेचर एंड डीजेनरेसी। ये दोनों फैक्टर्स ही आपको डिसाइड करवा पाएंगे कि कौन सा पॉपुलेशन, कौन सा लेवल आपका किस तरह की पॉपुलेशन प्रोसेस करेगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, वी हैव दिस जे मैक्स। अभी हमने देखा जो हमारा एन जे बाई एन जीरो का ग्राफ था जे के वर्सेस, उसमें वी हैड अ मैक्सिमा। अब इस मैक्सिमा को हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि ये मैक्सिमा के करेस्पॉन्डिंग जो हमारा जे है उसे ही हम बेसिकली जे मैक्स यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये हम कैसे निकालें, तो हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका मैक्सिमा को कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है कि हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू जे और जीरो के इक्वल पुट कर दें, और जैसे ही हम ये कंडीशन लगाएंगे देन आवर जे विल बी जे मैक्स। मतलब यही कंडीशन तो हमें हमारा मैक्सिमा देगी। मैथमेटिक्स में हम यही देखते हैं मैक्सिमा निकालने का तरीका, क्योंकि जब हम ये कंडीशन लगाते हैं तो इस कंडीशन में हमारे स्लोप जीरो है, बिकॉज स्लोप एट मैक्सिमा इज जीरो। और जब भी हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, बेसिकली दिस टेल्स अस अबाउट द स्लोप ऑफ अ पर्टिकुलर कर्व, तो इसलिए हमने उसे जीरो पुट किया एंड वी विल गेट अवर जे मैक्स। अब हमारा डी एन जे बाई डी जीरो क्या है, एन जे बाई एन जीरो, ये हमारा क्या था, 2j प्लस 1 डिवाइड बाई 1 ही हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ej बाई kbt, और जीरो के लिए अगर हम डालेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब हमारा ej की वैल्यू क्या होती है, दैट इज bj j प्लस 1, दैट इज इन सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसे hc से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जूल में बन जाएगा, क्योंकि नीचे जो हमारा kbt है हम उसे अभी जूल के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं। वैसे ये कॉन्स्टेंट ही है, अगर मैं इसे यहाँ ना भी लगाऊं तो डजेंट मैटर, सिर्फ यूनिट सेटिस्फाई करने के लिए कि अगर हम kbt को ऐसा यूनिट यहाँ पे जूल मान रहे हैं तो इसलिए hc से मल्टीप्लाई किया है ताकि यूनिट सेटिस्फाई रहे, बिकॉज एक्सपोनेंशियल में जो आपकी टर्म होगी दैट शुड बी यूनिटलेस। तो अभी आपके पास ये आ गया, अब बस आपको इसे क्या करना है, इसे dj के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो और फिर जीरो के इक्वल पुट कर दो। बट क्या ये मैथमेटिकली करेक्ट है, नहीं है। ये जब मैंने BIRC का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था उससे मैं भी आपको बताया था कि हम किसी पर्टिकुलर कर्व का डिफ्रेंशिएशन तभी कर सकते हैं जब हमारा कर्व कंटिन्यूअस हो। बट जो हमारी J है, जो हमारा यहाँ पे J हमने प्लॉट किया है x एक्सिस पे, दैट इज नॉट कंटिन्यूअस, बिकॉज हमारे पास तो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं दे आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, दे आर नॉट कंटिन्यूअस। आपका एक 0, 1, 2, ये मैंने कंटिन्यूअस कर्व भले ही बनाया बट एक्चुअली इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज ऐसे ऐसे पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हैं डिफरेंट बिकॉज आपकी जो जे की वैल्यूज है वो डिस्क्रीट है, वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो आप कैसे इसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, तो बेसिकली वी आर मेकिंग एन अप्रोक्सीमेशन हियर। हमारे जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो इतने ज़्यादा पास हैं, मतलब उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो इतने कम ऑर्डर एनर्जी रेंज का है कि बेसिकली हम उन लेवल्स को ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस मान सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन हमें यहाँ पे मान के चलना होगा। जब हम वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो एनर्जी का गैप का ऑर्डर है दैट इज वे मोर देन द रोटेशनल लेवल्स। तो रोटेशनल लेवल्स की जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो इस जे मैक्स को निकालने के लिए हम यहाँ पे इसे जे के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ये हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा जे मैक्स आएगा वो हमारा जरूरी नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट हो, बट इट विल बी वेरी मच नियर टू द एक्यूरेट वैल्यू। तो यही तरीका है जो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो फिर कुछ नहीं करना है, इसे जे के रेस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यह आपकी होगी फर्स्ट टर्म या आपकी होगी सेकेंड टर्म, और इसमें आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो कैसे, पहले फर्स्ट को कॉन्स्टेंट मान लीजिए 2j प्लस 1, और इसे जब आप अपना फंक्शन बनाएंगे तो ये है हमारा e टू द पावर माइनस x। तो एक्चुअली e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, लेकिन व्हेन दैट x इज नॉट एग्जैक्टली x तो हमें उस पूरे फंक्शन को जिसे हमने x एज्यूम किया है उसे फिर से डिफरेंशिएट करना होता है, यही हमारा डिफरेंशिएशन का रूल है। तो एक्सपोनेंशियल में जो ये फंक्शन है ये तो हमें एज इट इज मिल गया,
Now this function is not x, so we will differentiate it again. So this is nothing but BHC by KBT. तो इसमें आपका constant हो गया. यहाँ पे आपका minus भी है, तो minus BHC by KBT is your constant. और J into J plus 1 आपका function है. तो J into J plus 1 का जब आप differentiation करेंगे, तो it is nothing but J square plus J. So differentiation will be 2J plus 1. J square plus J का differentiation will be 2J plus 1. और यहाँ पे 2J plus 1 एक already था, तो ये हो गया आपका square. तो एक तो आपको मिला ये, प्लस इस बार आप सेकंड वाले को कांस्टेंट मानिए. ये सिंपल में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं. अब जब आप इसे कांस्टेंट मानेंगे, तो ये आपका फंक्शन हो गया 2j plus 1. तो 2j plus 1 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2j विल गिव यू 2 और 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू j विल बी 0. सो यू विल बी गेटिंग 2. तो फाइनली आप इसमें से ये एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म है, इसे तो आप कॉमन ले सकते हैं, और आपके पास क्या बचेगा, यू विल बी गेटिंग 2 माइनस बी एच सी बाई के बी टी 2j प्लस 1 होल स्क्वायर. तो ये आपके पास दो टर्म्स बचेंगी. नाउ यू हैव टू डू नथिंग बट पुट देम इक्वल्स टू 0. तो अगर आप दोनों को 0 को इक्वल पुट करें, तो इसका मतलब क्या है, इधर दिस टर्म इज 0 और दिस टर्म इज 0. इस टर्म के 0 होने का मतलब क्या है, दिस इज एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस समथिंग. तो इसका मतलब जो माइनस समथिंग जो है, दैट समथिंग मस्ट बी इंफिनिटी, तभी ये टर्म आपकी 0 हो सकती है. तो अगर आप इस समथिंग को e टू द पावर में जो ये समथिंग है, इसे आप इंफिनिटी के इक्वल रखेंगे, सो यू विल गेट नथिंग. तो इसका मतलब क्या है, आपके जो यहाँ पे काम की टर्म है वो आपकी ये वाली है. तो आप इस वाली टर्म को जीरो पुट रखिए. तो ये टर्म आपकी क्या है, 2 माइनस बी एच सी बाई के बी टी 2j plus 1 square, और इसे आपने 0 के इक्वल पुट किया. तो देखिए जब आप इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो पहली बात तो आप इस टर्म को इधर ले जाइए इक्वल्स टू के इधर, तो ये प्लस में बन जाएगी, तो ऐसे आपके पास आ जाएगा. नाउ 2j plus 1 square एंड योर j हैज बिकम j max बिकॉज यू आर सॉल्विंग इट फॉर स्लोप 0. तो 2j max plus 1 होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2KBT डिवाइड बाई BHC. अब आप स्क्वायर रूट कर दीजिए बोथ साइड्स. तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा. नाउ मेक इट दिस प्लस 1 विल गो देयर, क्योंकि आपको अल्टीमेटली इसे J J के इक्वल में लाना है. आपको देखना है J किस चीज के इक्वल है. तो ये बन जाएगा माइनस 1. अब आप क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड करेंगे उधर. तो जब इस 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये रूट 2 है, तो रूट 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, तो नीचे 2 आ जाएगा और ये बन जाएगा दिस. तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर जे मैक्स. अगर आपसे पूछा जाए किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए जे मैक्स क्या होगा, तो जे मैक्स बेसिकली है क्या, कि किस रोटेशनल लेवल में आपकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है. तो उन्हें आपको मॉलिक्यूल देना होगा, आपको बताना होगा कि आप किस टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं, और आप जिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं उसके लिए आपको रोटेशनल कांस्टेंट दिया जाएगा. जैसे ही आपको ये सब दिया, तो यू कैन प्रेडिक्ट कि हमारा जे मैक्स भाई इसके आसपास होगा, क्योंकि हमने देखा कि हमने ये अप्रोक्सीमेशन से निकाला है. तो इसीलिए इसकी वैल्यू, बट इतनी भी ज्यादा दूर नहीं होगी कि सपोज आपने निकाला 50 और एक्चुअली में वो 80 है, इतना भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा. बट ये हमें एक काफी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू के नियर ही एक वैल्यू देगा. और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि तो आप नॉर्मल मैथमेटिक्स करेंगे, तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो ऐसे ही फ्रैक्शन में मिलेगी. तो आपको जे मैक्स अपना वही मानना है जो आपका नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू के पास होगा, दैट विल बी योर जे मैक्स. नाउ अभी हमने अपना जो डिस्कशन शुरू किया था, वो वही इंटेंसिटी से किया था. इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की हम बात कर रहे थे. अब हमने देख लिया कि इसमें दो फैक्टर्स आ गए. एक तो आ गया हमारा पॉपुलेशन, जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, प्लस डीजेनरेसी के ऊपर डिपेंड कर रही है. सिमिलरली जब आप इंटेंसिटी के लिए मैथमेटिक्स करते हैं, जो मैं अभी यहां पे नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, तो एक्चुअली यू फाइंड दैट योर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट स्क्वायर, विच इज योर डायपोल मोमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिसका आप रोटेशन स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
दिस फैक्टर जे प्लस वन बाई टू जे प्लस वन। ये दो फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। अभी तक आप देखिए, अभी हम एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे कि किसी पर्टिकुलर सिंगल मॉलिक्यूल का अगर हम स्पेक्ट्रा देखेंगे तो उसमें कौन सी लाइन हमारी ज्यादा इंटेंस होगी। बट सपोज आपको दो मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएं, सपोज एक आपको दे दिया HCl और एक आपको दे दिया HBr, और आपसे पूछा जाए कि अब इन दोनों में किसकी स्पेक्ट्रल लाइन ज्यादा इंटेंस होगी, तो देखिए एक चीज तो हमने अभी पॉपुलेशन पढ़ी, तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा भाई आपने दोनों की क्वांटिटी कितनी ली है, क्योंकि देखो अगर आप दोनों की क्वांटिटी अलग अलग लोगे, ये चीज मैंने अभी तक एक बार भी बोली नहीं, बट ये बाय डिफॉल्ट आप समझिए कि जो आपकी पीजे है, मतलब जो आपकी प्रोबेबिलिटी है किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को एक जेथ लेवल में फाइंड करने की, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी तक हमने इसे देखा कि ये दो चीजों के तो है ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 2j प्लस 1 जो हमारी डिजेनरेसी थी, डिजेनरेसी हमने कैसे निकाली है ये आपको आया होगा समझ, हमने एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के बेसिस पे अपना डिजेनरेसी को देखा है कि किसी पर्टिकुलर लेवल कितना फोल्ड डिजेनरेट होगा, और एक हमारा बोल्ट्जमैन था। ये दो फैक्टर्स तो थे ही, बट ये भी तो एक फैक्टर है ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ही कितने किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए। बट जब आप एक सिंगल एंटिटी की बात करते हैं तो उस समय ये फैक्टर इतना ज्यादा आपका गवर्निंग अभी नहीं रह जाता, लेकिन जब आप दो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि आपने कितने मॉलिक्यूल्स लिए। ऐसा नहीं है कि आप इसके तो एक मोल का स्पेक्ट्रा, इसका तो एक मोल यूज करो और तब स्पेक्ट्रा लो, और इसके दो मोल्स लो इसका तब स्पेक्ट्रा लो, तो तब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो आप दोनों का सिमिलर लोगे। मतलब ये चीज भी आपको समझनी है कि इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यू आर टेकिंग टू रिकॉर्ड द स्पेक्ट्रा। अब अगर आपसे पूछा किसी ने कि भाई अब बताओ दोनों के आपने नंबर ऑफ मोल सपोज सेम ही ले लिए, तो अब आप कैसे बताओगे कि किसकी स्पेक्ट्रल लाइंस ज्यादा इंटेंस होंगी, तो अब आपको देखो ये हेल्प करेगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायपोल मोमेंट का स्क्वायर। तो जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी होगी दैट विल बी मोर। तो HCl और HBr में जिसका भी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी आपकी ज्यादा होगी, आप अपना एक्सप्लेनेशन इस बेसिस पे देंगे। अब एक चीज है, सपोज हम दो मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे, सपोज एक ही की बात कर रहे हैं, HCl की ही बात कर रहे हैं, तो अभी हमने इसमें देखा कि हमारी जो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अब आप इजीली बोल पाएंगे कि सपोज हम नॉर्मल टेम्परेचर्स पे बात कर रहे हैं, तो हमने आराम से अपना जे मैक्स निकाला, और जो भी आपकी ट्रांजिशन ऐसी होगी जो जे मैक्स से हो रही होगी, जे मैक्स से आपका एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, मतलब आप जे मैक्स से जे मैक्स प्लस वन वाले लेवल में भी जा सकते हैं और जे मैक्स माइनस वन वाले लेवल में भी जा सकते हैं। तो ये जो इन दो पर्टिकुलर ट्रांजिशन के करेस्पोंडिंग आपको जो लाइंस मिलेंगी स्पेक्ट्रा में, इधर इन एब्जॉर्प्शन या इमिशन स्पेक्ट्रा, तो आप बोलेंगे कि वो सबसे ज्यादा इंटेंस होंगी। बट ये कहना भी गलत है, क्यों? क्योंकि आप देखिए जो इंटेंसिटी है दैट डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रोटेशनल लेवल, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जे, जे की क्या वैल्यू है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। आप देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिए, जैसे सपोज आपका जे मैक्स था, जे मैक्स में सपोज आपके 100 मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन आपका जो जे मैक्स प्लस वन लेवल है उसमें ऑब्वियसली आपके कम मॉलिक्यूल्स होंगे, सपोज आपके अब घटने शुरू हो गए, तो सपोज आपके इसमें 98 है, बट ये जे मैक्स अगर आपका 30 है तो ये जे मैक्स प्लस वन की जो वैल्यू है वो तो 31 हो गई ना, तो आपका जो इंटेंसिटी है वो सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे ही डिपेंड नहीं कर रही है, वो आपकी जे की वैल्यू पर भी डिपेंड कर रही है। सो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि वही पर्टिकुलर लेवल जो जे मैक्स है वो आपको सबसे इंटेंस ट्रांजिशन देगा, ये बात आपकी जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी लेवल आपको मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन दे सकता है जिसकी जे की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि जब आप ऊपर बढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स भले ही दो चार पांच आपके कम हो गए बट आपकी जे की वैल्यू भी तो बढ़ी ना, तो आप ऐसे मतलब सिर्फ पेन और पेपर से आप ये चीज डिस्कस नहीं कर सकते कि अच्छा जे मैक्स है तो यही वाली ट्रांजिशन, मतलब ऐसी ट्रांजिशन जिसमें जे मैक्स आपका इन्वॉल्व है वही आपकी सबसे ज्यादा इंटेंस होगी। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज पॉसिबल कि आपका जे मैक्स
वाली ट्रांजिशन कम इंटेंस है और उससे अलग एक दो ट्रांजिशन ऐसी हो सकती हैं दैट मे बी मोर इंटेंस इन योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो एक चीज आपकी ये है और आप काफी चीजें इसमें डिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें से एक क्या है कि जब आप काफी लोअर जे वैल्यूज की बात करेंगे और काफी हाइयर जे वैल्यूज की बात करेंगे, जैसे अभी आपने खुद ही कर्व भी देखा, कर्व आपका कुछ ऐसा था, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बहुत ही लोअर वैल्यूज ऑफ जे है और बहुत ही हायर वैल्यूज ऑफ जे है, उन पर्टिकुलर जे वैल्यूज के लिए आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। मतलब आपको जो स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी में जो एक हाइक देखने को मिलेगा, जो ज्यादा इंटेंस देखने को मिलेगा, वो आपको जे मैक्स के आसपास मिलेगा। उससे पहले भी और उसके बाद वाली भी जो लाइंस की इंटेंसिटी होगी दैट विल ऑलमोस्ट बी सेम, क्योंकि जो हमने अभी ये चीज नोटिस कर ली है कि जो इंटेंसिटी है वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, पॉपुलेशन पर भी, डायपोल मोमेंट पर भी। पर वो ये कि डायपोल मोमेंट आपको तभी देखना होगा जब आप एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर रहे हैं, बट जब आप एक ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर काफी सारी चीजें देख रहे हैं तो उस समय आपको क्या क्या देखना है, पॉपुलेशन देखनी है, डीजेनरेसी देखनी है, और साथ ही में आपको ये भी देखना है कि आपकी जे की वैल्यू क्या है। तो यही पूरा डिस्कशन था बेसिकली, जो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पे था। ये काफी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि जनरली हम बस अपना डिस्कशन यहीं पर लिमिट कर देते हैं कि ठीक है जेमैक्स की इंटेंसिटी जो है, जेमैक्स की जो पॉपुलेशन है उसी के बेसिस पे हमारी इंटेंसिटी डिपेंड करेगी, बट देर आर मैनी अदर थिंग्स टू इट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।